सो फाइनली डीयू ने हमको हमारे कॉलेजेस अलॉट कर दिए हैं, एंड अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि क्या मुझे अपग्रेड करना चाहिए या फिर फ्रीज करना चाहिए। उसके अलावा एक और क्वेश्चन आता है कि क्या भैया अगर मैं अपग्रेड कर लेता हूँ तो क्या मेरी करेंट सीट चली जाएगी, या फिर अगर मुझे अपग्रेड करने के बाद कॉलेज मिल जाता है तो क्या मैं अपनी करेंट सीट जो मुझे अभी मिली है वो वापस मिल सकती है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस का मैं आज आंसर करने वाला हूं, एंड मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे सही तरीके से अपग्रेड कर सकते हो। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें आज होने वाली हैं। अब अपग्रेड करने में प्रॉब्लम क्या आती है सबसे पहले ये समझते हैं। तो अगर मेरे को 15th रैंक का कॉलेज मिला है जिसका नाम है केशव महाविद्यालय, तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि मुझे बीकॉम ऑनर्स मिला है। तो ठीक है भाई, ऑनर्स मिल गया है, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि नहीं यार मुझे अपग्रेड करना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले देखूँगा कि मेरी हायर प्रेफरेंस क्या है। हायर प्रेफरेंस का मतलब क्या है कि अगर आपको 15th रैंक का कॉलेज मिला है तो 1 से लेकर के 14th रैंक तक के कॉलेजेस ही आपको अलॉट होंगे, 16th 17th वाले कॉलेज तो अलॉट नहीं होंगे, यानी कि हमेशा हायर प्रेफरेंस मिलेगा। सेकंड बात आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल 14th नंबर पर मोतीलाल नेहरू कॉलेज है, ठीक है, केशव महाविद्यालय से अच्छा है, साउथ कैंपस में है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन फॉर एग्जांपल आपने इसके लिए आपने भरा हो फॉर एग्जांपल बीकॉम या फिर बीए, ठीक है, तो अगर आपने ऐसा कुछ कोर्स भरा है जो कि आपके करंट कोर्स से बेकार है तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वो आपको अलॉट हो सकता है। और अगर वो अलॉट हो गया तो कहीं ना कहीं आपको भी दिक्कत जाएगा कि भाई पहले बीकॉम ऑनर्स पढ़ रहे थे, आप डायरेक्टली बीकॉम या फिर बीए के कोर्स में आ गए। तो अभी अगर अच्छा मिल गया है कॉलेज या फिर अच्छा कोर्स मिल गया है तो उसको जाकर के आप फ्रीज कर सकते हो, फिर अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको ऊपर कोर्स का भी यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका कोर्स भी चेंज हो सकता है। अब अगर मैं आपको बोलूँ कि इस टाइम पर अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो आपको क्या करना चाहिए, तो मैं ये बोलूंगा कि देखो यार अपग्रेड करने से कोई आपको बहुत अच्छा कॉलेज नहीं मिल जाएगा, इसलिए अपने कोर्स पर स्टिक रहोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अब हमारा सेकंड डाउट आ जाता है कि अगर मैं अपनी करंट सीट को अपग्रेड कर देता हूं, अपग्रेड के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूं, तो क्या मेरी करंट सीट चली जाएगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आपको अपग्रेड में नया कॉलेज नहीं मिलता है तो आपको अभी जो करंट का कॉलेज मिला हुआ है वही आपका फाइनल कॉलेज रहेगा, आपका वो कॉलेज कभी भी नहीं जाएगा। तो आपको इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि अपग्रेड कर दूंगा तो करंट सीट चली आएगी, ये बिल्कुल रिस्क फ्री हो जाता है। अब हमारा थर्ड डाउट आ जाता है कि क्या भैया अगर मुझे अपग्रेडेड कॉलेज मिल जाता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर केशव महाविद्यालय मुझे मिला था और उसके ऊपर मैंने मोतीलाल रखा, मेरे को मोतीलाल मिल जाता है और मुझे वापस केशव महाविद्यालय पे आना है तो क्या मैं आ सकता हूँ? तो यहाँ पर आंसर है नहीं। एक बार अगर आपका कॉलेज अपग्रेड हो जाता है उसके बाद आपको वापस से नीचे वाला कॉलेज नहीं मिलेगा, इसलिए इस प्रोसेस को अपग्रेड भी बोला जाता है कि आप हमेशा ऊपर ही जाओगे, नीचे आने का कोई भी चांस नहीं है। अब एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि क्या भैया मुझे अपग्रेड करने पर कॉलेज मिलेगा, तो यहाँ पर आंसर है कि बहुत कम चांसेस हैं, क्योंकि पहली बात तो मैक्सिमम सीट्स जो हैं वो जा चुकी हैं, बहुत सारे बच्चों ने एनरोल ऑलरेडी कर लिया है और वो लोग फीस भी पे कर देंगे, साथ ही साथ इस बार का कॉम्पिटिशन भी बहुत हाई गया था, कट ऑफ्स भी बहुत ज़्यादा हाई गए थे, इसलिए बहुत सारे कैंडिडेट्स को अभी तक सीट भी अलॉट नहीं हुई है। तो अगर आपको अभी कॉलेज मिल गया है और आपको वो अच्छा लग रहा है तो आप उसको फ्रीज कर सकते हो, अपग्रेड के लिए जाना है तो जाओ, पर चांसेस बहुत कम है। साथ ही साथ बहुत सारे बच्चे जिनको अभी तक अलॉट नहीं हुआ है कॉलेजेस, तो खासकर मैं जर्नल कैटेगरी स्टूडेंट्स को बोलना चाहूंगा कि आपको यहां पर एक बैकअप यूनिवर्सिटी या फिर कोई भी प्राइवेट कॉलेज का बैकअप ऑप्शन बना के रखना चाहिए, क्योंकि भाई चांसेस बहुत ज्यादा कम है कि आपको आगे के राउंड्स में भी सीट्स मिलेगी। ये थोड़ा सा सुनने में अच्छा नहीं लगेगा पर सच है, क्योंकि इस बार जर्नल कैटेगरी स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा स्कोर पर भी बहुत नीचे कॉलेज मिले हैं, इससे हम लोग देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन है इस बार स्पेशली बीकॉम ऑनर्स के लिए, बीकॉम के लिए, और अगर मैं पॉलिटिकल साइंस की बात करूं बीए के उसमें भी बहुत ज्यादा कंपटीशन है, और अगर मैं साइकोलॉजी की बात करूं तो उस पे तो हमेशा रहता है क्योंकि सीट्स कम होती है। तो अगर आप इस कैटेगरी में लाए करते हो तो प्लीज अपने आप से ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना, अपने अपग्रेड बटन से ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना, यहां पर ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे। अब एक इंपॉर्टेंट बात जो सबको ध्यान रखना है, दैट इज कि अगर आप अपग्रेड करते हो तो नेक्स्ट राउंड में आपको फिर से एक एक्सेप्ट बटन शो होगी जिसको आपको जाके क्लिक कर देना है ताकि आपका एडमिशन कंफर्म हो जाए। तो यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखो कि अगर कोई भी क्वेरी रेज हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो आपको CSS पोर्टल को रोज एटलीस्ट 2 से 3 बार तो चेक करना है ताकि कोई भी दिक्कत ना जाए। इसके साथ अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि सबकी हेल्प होती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।